A rectangle has its lower corners on the x-axis and its upper corners on the curve y is equal to 16 minus x squared. For all such rectangles, what are the dimensions of one with largest area? सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए कौन से वाले फंक्शन का, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x को मैं जीरो रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 16, और चूंकि ये पैराबोला है, अब अगर मैं y को जीरो पुट कर दूं तो जीरो इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x square is equal to 16 और x is equal to plus minus 4. That means कि इसका एक corner यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, तो ये parabola बनेगा नीचे की तरफ ठीक है, यहाँ पे ये है 4 और यहाँ पे ये क्या है minus 4. Question कहता है कि आपने एक rectangle इसके अंदर बनाना है जिसका एक साइड कर्व को टच करे, ठीक है, इस कर्व को, ठीक है, दो कॉर्नर्स, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया जो y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर को टच करे, और लोअर कॉर्नर जो है वो कहाँ करें, x एक्सिस को। तो अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाना है तो ये नीचे आ जाएगा स्ट्रेट और ये नीचे आएगा स्ट्रेट। अब इसने यहाँ पे टच किया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे टच किया, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स है तो ये वाला इस तरफ भी एक्स होगा। क्यों ये दोनों एक्स हम ले रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि इस कर्व का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए हम जीरो से इस तरफ भी उतना है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे उतना ही हमने राइट साइड पे ले लिया। तो हम लेट कर देते हैं कि डायमेंशंस जो है वो कौन सी हैं, डायमेंशंस आर, एक डायमेंशंस को हम वाई कह देते हैं जो किसकी हाइट है, ये लंबाई वाली दोनों, ये तो दोनों सेम ही होंगी, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन जो एक्स हमारे पास क्या है, वाई है। दूसरी ये वाली डायमेंशंस कितनी है, जीरो के इस तरफ भी एक्स है उतना ही इस तरफ है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब एरिया को हमने लार्जेस्ट एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई लेंथ इनटू विड्थ, सो वो यहाँ पे हमारे पास 2x है और y दैट बिकम्स 2xy। अब हमने क्या करना है कि इसको इन टर्म्स ऑफ x लेके जाना है, ठीक है, उसके लिए हमने y को उसमें से निकालना है। अब y इसमें से कैसे निकलेगा, y के लिए उसने ऑलरेडी हमें फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, तो जब इसको रिप्लेस, सिंपल इसको रिप्लेस कर दो, 2x 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 32x माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा एरिया बन गया। अब x मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम एक्स कितना हो सकता है, जीरो, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये पूरी लेंथ है इसकी, तो ये मैक्स मिनिमम कहां तक आ सकता है, जीरो तक, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जो कि क्या है, फोर है, वो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब वाई सबसे स्मॉलेस्ट हो, तो वो क्या है, जीरो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 4। अब चूंकि डायमेंशन है नेगेटिव, हम लेंगे नहीं, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव आ जाता है 4। ये जो नेगेटिव इस तरफ हम लेते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, के अपोजिट डायरेक्शन में, लेंथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। हमारे पास एरिया इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, एक्स, जो कि इस एरिया के, इस इंटरवल के अंदर हो। अब एरिया हमारे पास है, इंटरवल हमारे पास आ गया,
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, अगर है कोई तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट वुड बी 32 माइनस 4x। अब हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, 4x को दूसरी साइड पे लेके जाएं या 32 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दें तो 38/8, which gives us x is equals to, there is some mistake, I believe, yes, that is 3, so that becomes 2, that is square, and again square, so यहां से हमारे पास आएगा, that would be 32/4, so that gives us 8, 8 का square root is 2 times 2, या आप square root 8 भी रहने दे सकते हैं। अभी हमारे पास x की value आ गई है, और ये x की value इसी interval के अंदर है, तो ये critical point हम ले सकते हैं। अब इसको हमने check भी करना है कि ये इस point के ऊपर absolute रिलेटिव मैक्सिमम है भी, तो जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज -8x। अब हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को हम x की जगह पे पुट कर देते हैं, व्हिच इज 2√2 इज अगेन नेगेटिव लेस देन 0, तो सेकंड डेरिवेटिव का कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है, तो आप इसको ले सकते हो। अब 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 2√2, 0 और 4, हमने बारी बारी इसको एरिया के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है और मैक्सिमम एरिया निकालना है कि वो कौन सी एक्स वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम एरिया आता है। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, 2x इनटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दें, 2 टाइम 0 इनटू 16, 0 का स्क्वायर आंसर इज 0, 2 टाइम्स 2√2, 16 माइनस एक्स 2√2 का स्क्वायर, या इसको हमने पहले क्या लिया था, √8 ही था, अगर हम इसको √8 लिख दें तो ज्यादा आसानी होगी मेरे ख्याल से, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 8, और यहां से भी 8 आएगा तो 16√8, या अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ 2√2 लिखूं तो दैट बिकम्स 32√2, और इसी तरह इस पे जब हम 4 लिखते हैं तो 2 टाइम्स ओके 4, x की जगह पे 16 माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 होगा, तो इसके साथ कैंसिल, तो आंसर इज 0। मैक्सिमम किस चीज के ऊपर आ रहा है, जब x 2√2 है, तो जब x की वैल्यू 2√2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस 2√2 या √8 का स्क्वायर, 16 माइनस 8 इज 8, तो जब x की वैल्यू 8 है और y x की वैल्यू 2√2 या ये वाली है, तो 2x क्या होगा, 2 टाइम्स 2√2 व्हिच इज 4√2। तो डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस हमारे पास है 2x जो कि 4√2 है और y जो कि 8 है, इसके ऊपर हमारा क्या आता है, मैक्सिमम एरिया का।